हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की मैगजीन एनालिसिस सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। और डाउन टू अर्थ मैगजीन एक से लेकर के 15 अगस्त 2022 की आप लोगों के सामने बहुत सारे आर्टिकल अच्छे हैं। बेसिकली जो मेन आर्टिकल है वो आपका IPBES की रिपोर्ट्स के हिसाब से बताया गया है। वो रिपोर्ट्स आई थी सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ के बारे में, तो ये मेन आर्टिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। ओके, और उसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे। बाकी के कुछ आर्टिकल जो हम हर बार कवर करते हैं उसको भी देखेंगे। इसकी PDF आपको बताऊँ अगर मैं तो, जो PPT PDF होती हैं दोनों तरह की, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेट्स क्रिकेट IAS वाले पर मिल जाएंगी, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी अगर आपको ओरिजिनल PDF चाहिए तो वो आपको 10 रुपीज़ में परचेज़ करनी है। और हाउ टू परचेज दिस PDF, इसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उसको भी देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अब सीधे आर्टिकल्स की तरफ चलता हूँ। और आर्टिकल्स के अंदर पहला आर्टिकल डाइजेस्ट पेज पर आपको मिल जाएगा। आपको जगह जगह इस तरीके के जो पहाड़ हैं देखने के लिए मिल जाएंगे, लाइक दिल्ली में है, मुंबई में है, ओके, इंडिया में ही नहीं दूसरी कंट्रीज़ के अंदर में भी हैं। और ऐसे पहाड़ जैसे गाजीपुर लैंडफिल आपको यहाँ पर मिल जाएगा इंडिया के अंदर दिल्ली में, ओके, तो ये काफ़ी बड़े फेमस पहाड़ यहाँ पर हो जाते हैं। और अभी अभी सिंगल यूज़ प्लास्टिक को यहाँ पर बैन किया गया, उसके ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव बैन लगाया गया, और ये बैन 1 जुलाई से यहाँ पर जो है वो एग्जिस्ट हुआ। इसके अंदर बेसिकली 19 आइटम जो हैं वो उनको बैन कर दिया। अलग अलग तरीके की प्लास्टिक के आइटम्स है, लाइक आइसक्रीम की स्टिक होती हैं, ईयरबड्स होती हैं, पैकेजिंग रैपर्स होते हैं, इन चीज़ों को यहाँ पर बैन किया गया। लेकिन मूव को ये नहीं कहा जा सकता, आपने बैन किया है तो अब आपको प्लास्टिक कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी, या सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, वो सब चीज़ें दिखती रहेंगी। क्यों? क्योंकि उसके पीछे के 3 कारण यहाँ पर निकल करके आए हैं। पहली बात तो ये कि आपने मिनरल वाटर बॉटल को बैन नहीं किया है। दूसरी चीज़ ये कि आपने मल्टी लेयर फूड पैकेजेस, जैसे शैम्पू का पैकेट देखा है आपने कितना मोटा पैकेट वो होता है, तो उसको कहते हैं मल्टी लेयर पैकेज, ओके, तो ऐसा ही फूड प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जाता है ताकि सीलन ना हो, ओके। दूसरी चीज़, आपने मल्टी लेयर फूड पैकेजिंग को बैन नहीं किया गया है। और तीसरी चीज़, आपने अल्टरनेटिव यहाँ पर उपलब्ध नहीं कराए हैं। अगर बताइए कि आइसक्रीम स्टिक यहाँ पर बंद हो गई है तो उसकी जगह पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ज़रा सोचिए और बताइए। और तो यही जो दिक्कतें हैं उसकी वजह से सिंगल यूज़ प्लास्टिक की कैटेगरी से इनको बाहर रखा गया, और ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक यहाँ पर है। और मैन्युफैक्चरर्स के पास कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, तो ये चीज़ें सर्कुलेशन में रहेंगी। कुछ भी हो, ब्लैक तरीके से यहाँ पर यूज़ किया जाए या फिर हाइड करके यूज़ किया जाए, ये थोड़े से जो गैप हैं वो आपको यहाँ पर याद रखने हैं कि जो गैप रह गए हैं उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो अफ्रीका की, बेसिकली यूरोप के अंदर एनर्जी क्राइसिस आया, यूरोप नहीं पूरी दुनिया में ये एनर्जी क्राइसिस चल रहा है रशिया यूक्रेन वॉर के कारण स्पेशली। तो यहाँ पर G7 की मीटिंग हुई, और ये मीटिंग को होस्ट किसने किया? जर्मनी और इटली ने। जर्मनी और इटली ने बेसिकली इस मीटिंग को यहाँ पर होस्ट किया, और COP26 के अंदर इन्होंने कहा था कि धीरे धीरे यही है कि जो आपका फोसिल फ्यूल है उसको रिप्लेस करके हम ट्रांजिशन करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ वगैरह वगैरह, लेकिन फिलहाल तो एनर्जी ही नहीं मिल रही कैसी भी, ओके, तो फोसिल फ्यूल पर थोड़ी सी डिपेंडेंसी यहाँ पर बनानी पड़ेगी। और इसी डिपेंडेंसी के चलते यहाँ पर जो जर्मनी है और इटली है, इन्होंने कहा है कि हम अपने ओवरसीज गैस प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग उसको यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, ओके। तो यही कहा कि रशिया यूक्रेन वॉर के कारण जो एनर्जी क्राइसिस यहाँ पर आया है उसको थोड़ा सा ख़त्म करने के लिए हमें जो है वो टेम्पररी फाइनेंसिंग यहाँ पर करनी पड़ेगी अपने फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्रोजेक्ट्स की, ओके। तो ये बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि, और ये जो फ्यूल के इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किए गए हैं ये अब रशिया में तो कर नहीं सकते क्योंकि वहाँ तो वॉर चली पड़ी है, कभी भी सप्लाई रुक सकती है। तो यहाँ पर ये किए गए अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका के अंदर में भी आप देखोगे अल्जीरिया, अंगोला, इजिप्ट है, रिपब्लिक ऑफ कोंगो है, सेनेगल है, यहाँ पर ऑयल के, नेचुरल गैस के काफ़ी बड़े भंडार हैं, तो इन भंडार्स को यूज़ करने के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया है। अब किसने कितने परसेंट इंटरेस्ट इन्वेस्ट किया नॉट इम्पोर्टेंट, बट आर्टिकल अगर आप देखो तो लिखा हुआ है कि अफ्रीका टू पे, तो ये जो एनर्जी क्राइसिस है इसके लिए अफ्रीका पे करेगा। क्यों? क्योंकि अफ्रीका भारी मात्रा में अब ऑयल का और नेचुरल गैस का प्रोडक्शन करेगा क्योंकि यूरोप के अंदर अफ्रीका के ऑयल की डिमांड यहाँ पर बढ़ गई है, ओके। तो ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी कि इस तरीके से अफ्रीका को ये पे करना पड़ेगा। दूसरी बात, अफ्रीका अपने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट पर ध्यान नहीं दे पाएगा, और जब एक समय ऐसा आएगा कि सारी कंट्रीज़ नेट ज़ीरो इमीटर होने की कगार पर होंगी, तब अफ्रीका को, मतलब अफ्रीका नहीं हो पाएगा उस टाइम पर, ओके। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने फोकस जो है वो अपना फॉसिल फ्यूल की तरफ रखा होगा, और ये चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत तो करेंगी। उसके बाद आगे बात करें, और पैसिफिक नेशंस प्ले US वर्सेस चाइना फॉर क्लाइमेट एक्शन। तो आपको पता है कि दुनिया जो है वो दो ध्रुवों में बट चुकी है, बाईपोलर वर्ल्ड इसको कहते हैं, एक है US और एक है यहाँ पर चाइना, दोनों जो है वो लड़ रहे हैं, और इसके बीच में बेसिकली आपके पैसिफिक नेशंस यहाँ पर आ जाते हैं। तो US और चाइना पैसिफिक नेशंस के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन पैसिफिक नेशंस इनके मिडिल में फंस जाते हैं। US से एमिशन हो, चाइना से एमिशन हो, लेकिन इम्पैक्ट तो पैसिफिक कंट्रीज नेशंस के पर ही पड़ने वाला है।
तो बेसिकली हुआ क्या, जो कि पैसिफिक आइलैंड फोरम के अंदर जो 17 मेंबर हैं उनकी हाल ही में मीटिंग हुई, और मीटिंग के अंदर जो बेसिकली यहाँ पर यही देखा गया कि आखिर जो यूएस है और चाइना है, इनकी राइवलरी का क्या इंपैक्ट पैसिफिक नेशंस के ऊपर में यहाँ पर पड़ रहा है। इन दोनों कंट्रीज़ के अपने अपने जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है बहुत बड़े, और वहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी जो टूना फिश यहाँ पर, सबसे बड़ी नहीं कह सकते, सबसे ज़्यादा तादाद में खाई जाने वाली दुनिया की जो फिश है जिसको कहते हैं टूना, बेसिकली मोस्ट कंज्यूम्ड फिश है, वो यहाँ पर उगती है। तो लेटेस्ट जो फोरम हुई है वो कहाँ हुई है, फिजी के अंदर सूबा में, तो आपको जगह का नाम याद रखना है, मैप में काम आएगा। ओके, जुलाई 11 से जुलाई 15 तक ये मीटिंग यहाँ पर हुई, और यही बात की गई कि चाइना और यूएस जो हैं वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर रहे हैं, स्पेशली कोस्टल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फिशरीज डील्स के अंदर इन पैसिफिक नेशंस के साथ में मिलकर के। तो इससे जो है वो इन्हें फ़ायदा होगा, लेकिन कोई भी जो है वो क्लाइमेट इम्पैक्ट को नहीं भाप रहा। ठीक, जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं यहाँ पर बहुत सारी, उनके ऊपर जो खतरा है क्लाइमेट चेंज का, उसको यहाँ पर लोग जो है वो नहीं भाप रहे हैं। तो फोरम उसने अडॉप्ट किया एक स्टर्न लैंग्वेज और डिक्लेयर करने की बात की कि क्लाइमेट इमरजेंसी को यहाँ पर डिक्लेयर किया जाए, और साथ ही साथ उसके साथ जो आपकी UNFCCC की COP27 की मीटिंग यहाँ पर होगी इजिप्ट के अंदर में, उस पर भी थोड़ा सा फोकस करने की बात की कि उसके अंदर इन सब बातों को किया जाए। और ये भी कहा कि एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर रूल ऑन द कंट्रीज लीगल ड्यूटी टू स्टॉप क्लाइमेट चेंज, वो भी यहाँ पर डेवलप किया जाए, ताकि यूएस और चाइना जैसी जो कंट्रीज अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट में फाइनेंस यहाँ पर कर रही हैं, बेसिकली इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, उनको क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए भी कुछ लीगल ड्यूटीज उनके ऊपर डाली जानी चाहिए। उसके बाद बात करें आगे, तो नए नए जो बेसिकली जिन ऐसी डिजीज़ को हम ख़त्म करने की कगार पर पहुंच चुके थे वो वापस आ रही हैं, जैसे डिप्थीरिया है, पोलियो है, मीजल्स हैं, इन सब के केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। COVID-19 डिसरप्शन के कारण ये चीज़ें और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गई। उसके अलावा जो वैक्सीनेशन है वो भी COVID-19 के दौरान नहीं हो पाया, जिससे कि केसेस यहाँ पर बढ़ गए। आपको ध्यान रखना है स्पेशली वाइल्ड पोलियो वायरस के बारे में, मैं आपको पिछले 2-3 महीने से बता रहा हूँ इस चीज़ को, कि तंजानिया, मलावी, इसराइल वगैरह के अंदर जो केसेस हैं यहाँ पर आपके लगातार बढ़े हैं वाइल्ड पोलियो वायरस के। हालांकि इन सभी कंट्रीज से पोलियो को ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन हाल ही में ये चीज़ें दोबारा से रिवाइव यहाँ पर हो रही हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़ करके बाकी सभी कंट्रीज से पोलियो को ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन सभी कंट्रीज़ में पोलियो दोबारा से यहाँ पर निकल करके आ रहा है। स्पेशली यूके के अंदर में भी सीवेज ड्रेन में इसकी प्रेजेंस जो है वो यहाँ पर देखी गई। इसके बाद बात करें तो ग्लोबल लेवल पर क्या चल रहा है, थोड़ी सी न्यूज़ पर निगाह यहाँ पर डालें तो आपको मिलेगा कि फॉरेस्ट फायर यहाँ पर लग गई कहाँ, यूरोप एंड मोरक्को के अंदर। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में बताया था कि व्हाट आर द रीजंस कि यूरोप के अंदर फॉरेस्ट फायर्स और हीट वेव्स की कंडीशंस यहाँ पर बढ़ रही हैं। ओके, मैंने आपको इसका रीज़न बताया था, सेम रीजंस आपके मोरक्को के लिए में भी वर्क कर सकते हैं, या फिर नॉर्दर्न अफ्रीका के लिए में भी यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखा करो, कंटिन्यूसली जो है वो अगर फॉलो कर रहे हो तो कंटिन्यूसली करो, अदरवाइज जो है वो ऐसे छोड़ छोड़ के मत करो। ओके, तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखो। इसके पीछे के मैंने 5-6 कारण बताए थे कि किस तरीके से जो बिल्डिंग्स हैं वो कैसी बनाई जाती हैं, या अर्बन हीट आइलैंड का कंसेप्ट है, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया। हर वीडियो में सेम चीज़ नहीं बताई जा सकती, वरना टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद आगे बात करें तो मार्बर्ग वायरस डिजीज़ के 2 केसेज यहाँ पर कन्फर्म्ड हुए जुलाई 18 को। ओके, और 2 केसेज जो हैं वो बेसिकली घाना से यहाँ पर निकल के आए। तो घाना क्यों न्यूज़ में आया, क्योंकि यहाँ पर मार्बर्ग वायरस डिजीज़ के केसेज जो हैं वो निकल करके आए हैं। इसके कुछ सिम्टम्स हैं, याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए लाइक मार्बर्ग वायरस डिजीज़ जो है वो कैसे कैसे वर्क करती है। तो इसकी पूरी स्लाइड मैंने आपको यहाँ पर दी है, एक बार वीडियो पोस्ट करो और पढ़ लो। हिंदी वाले सोच रहे होंगे कि हम कैसे पढ़ें, तो आप इसको ऐसे करके यहाँ पर पढ़ सकते हो। ये इसका दूसरा जो है यहाँ पर स्लाइड आपको मिल जाएगी मार्बर्ग वायरस रोग के बारे में। जस्ट इसको पढ़ना है, मैं भी इसको पढ़ूंगा कि ये जो है वो आपकी फैलती किस तरीके से है। तो फ्रूट बैट इसकी बाहक यहाँ पर हो जाती है, और फ्रूट बैट इंडिया में भी पाई जाती है। इस तरीके से आपको जस्ट इसको जो है वो रीड कर देना है और कुछ भी नहीं। तो ये न्यूज़ जो है वो आपकी यहाँ पर कवर होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो सेंट्रल क्वींसलैंड का एरिया है बेसिकली, उसके अंदर वहाँ पर बेसिकली 1000 हेक्टेयर का जो कोआला हैबिटेट था उसको कोल माइनिंग के लिए अलाउ कर दिया गया है। तो वहाँ पर अब कोल माइनिंग होगी, तो सिंपल सी बात है कि कोआला कहाँ रहेंगे, उनका हैबिटेट लॉस यहाँ पर होगा। कोआला जो कि एक मार्सुपियल है, पहले से ही एंडेंजर्ड है, इसका हैबिटेट लॉस जो है वो एक इंपॉर्टेंट कारण यहाँ पर हो जाता है। तो बिल्कुल भी अच्छा डिसीजन यहाँ पर नहीं लिया गया, इससे बहुत नुकसान होगा। पहली बात तो कि 2 मिलियन टन ऑफ कोल पर ईयर यहाँ पर जनरेट होगा, जिससे एनवायरमेंट का नुकसान भी होगा, और ऊपर से एनवायरमेंटल असेसमेंट भी यहाँ पर नहीं की गई है, तो भारी नुकसान ऑस्ट्रेलिया को देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा पढ़ना है, पूरा डिटेल में नहीं जाना। म्यांमार के अंदर आपको पता है मिलिट्री रूल यहाँ पर चल रहा है, और मिलिट्री रूल के चलते
लगभग 15 टीचर्स को जो है वो अंदर कर दिया, जेल कर दिया, उनको अरेस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जो है वो आपके स्टूडेंट्स को बेसिकली पढ़ा रहे थे और साथ ही साथ कंट्री के अंदर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो जब भी कुछ रोकना हो तो दो ही चीज़ों को बैन किया जाता है, एक है आपके टीचर्स और दूसरे है आपकी प्रेस, क्योंकि इन दोनों को जब तक रिवाइव रखा जाएगा तब तक आपका जो भी एजेंडा है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ओके, तो इससे जो है वो दिक्कत हो रही है, बेसिकली चिल्ड्रंस का जो राइट है एजुकेशन का वो तो वायलेट हो ही रहा है, उसके अलावा जो इस तरीके की चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए इन द 21st सेंचुरी। ओके, आगे चलते हैं, इंडिया में क्या हो रहा है। तो इंडिया में पहली खबर इंपॉर्टेंट है, बाकी की तीन खबरें तो ऐसे ही हैं। ओके, बट फिर भी देख लेते हैं। और इंडिया में अगर हम देखें तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने जो ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान लॉन्च किया था दिल्ली के लिए, उसको अब रिवाइज किया है। 13 जुलाई को इस चीज़ को यहाँ पर रिवाइज किया गया, रिवाइज गाइडलाइंस रिलीज की गई। और ये जो एक्शन प्लान है ये NCR रीजन में एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए यहाँ पर शुरू किया गया था। GRAP के अंदर बेसिकली ये सब लिखा हुआ है कि अगर एयर क्वालिटी वर्स हो जाए तो किस किस तरीके के मीजर्स यहाँ पर लोगे। पहले क्या किया जाता था कि ये जो मीजर्स हैं वो इस तरीके से लेते थे कि हम जो है जैसे पोल्यूशन के लेवल बढ़ गए तो हम जो है वो कंस्ट्रक्शन को बंद कर देते थे, हम जो है वो वेहिकुलर मूवमेंट को कम कर देते थे, ओड इवन पॉलिसी भी इसी चक्कर में यहाँ पर आई, ये सब काम यहाँ पर किए जाते थे। लेकिन अब जो रिवाइज तरीके के ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि हम इस तरीके से काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ एयर क्वालिटी इंडेक्स के बेस पर वर्क करेंगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या दिखा रही है उसके हिसाब से मीजर्स यहां पर लिए जाएंगे। हम किसी भी तरीके से कंस्ट्रक्शन को बैन नहीं करेंगे हम, या फिर फोर व्हीलर डीजल इंजन को बैन नहीं करेंगे हम, जो है वो AQI के बेस पर यहां पर वर्क करेंगे। ओके, ये चीजें निकल करके आती है। इसके बाद दूसरा आर्टिकल यहाँ पर आता है और दूसरे आर्टिकल के अंदर मंकी पॉक्स वायरस के केसेस जो हैं वो निकल कर के आए। इंडिया में पहला मंकी पॉक्स वायरस का केस केरल के अंदर 14 जुलाई को डिटेक्ट हुआ और ये जो केसेस हैं वो UAE से आने वाले लोगों के अंदर में देखने के लिए मिले। और UAE से आने वाले लोगों के अंदर में जो मंकी पॉक्स वायरस है उसका सब लीनिएज कहो या ये लीनिएज कहो या फिर क्लेड कहो, ठीक है, ये जो है वो A1 नाम का यहाँ पर है। बेसिकली A2 है ये। ओके, नहीं सॉरी, ये शायद या तो ये A2 है या ये B1 है। ओके, दो तरीके के हैं, ठीक है, एक है B1 एक है A2। तो यहाँ पर जो है वो बेसिकली A2 वाला डिटेक्ट यहाँ पर हुआ है, या मुझे लगता है ये A1 है ये B2 है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। ओके, तो इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर किया जाना चाहिए, लेकिन है ए वाला ही। ओके, तो इंडिया में A के केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं और जितने भी पेशेंट यहाँ पर निकले अभी तो यहाँ पर दिया गया है 14 जुलाई की खबर है, तो फिर दो ही केसेस निकले हैं, लेकिन केसेस की संख्या एट प्रेजेंट 15 अगस्त के दिन ये केसेस की संख्या जो है वो बढ़ करके हो गई है 10। ओके, तो 10 केसेस जो है वो यहाँ पर हो गए हैं जिसमें दिल्ली और केरल में केसेस की संख्या बढ़ रही है। उसके अलावा फ्लैश फ्लड्स देखने के लिए मिले अमरनाथ केव्स के अंदर में। मंकी पॉक्स के बारे में हम पहले भी बहुत बार बता चुके हैं तो इसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ पढ़ा के छुट्टी करो। ओके, फ्लैश फ्लड्स देखने के लिए मिले स्पेशली पूरे हिमालय रीजन के अंदर, फ्लैश फ्लड्स की कंडीशन जो है वो लगातार बढ़ी जिसकी वजह से जो है वो भारी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो गई। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो लखनऊ के अंदर में पर्टिकुलर एरिया के अंदर 100 पिग्स जो हैं उनकी डेथ यहाँ पर हो गई। ओके, और ये बेसिकली एक हेल्थ इशू यहाँ पर उभर करके आया, कोई इम्पोर्टेंट नहीं, छोड़ सकते हो। ओके, उसके बाद आगे बात करते हैं और ये जो आर्टिकल यहाँ पर दिया गया है इसमें लिखा हुआ है स्पार्क ऑफ होप। होप किस चीज़ की होप की बात की जा रही है, किस तरह की आशाओं की बात की जा रही है, तो आशाएं द्रौपदी मुर्मू जी के नए प्रेसिडेंट बनने से जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर उत्साह यहाँ पर आया है कि उन कम्युनिटीज़ के अंदर से भी कोई प्रेसिडेंट बन सकता है, इस बात की आशा यहाँ पर उनको नज़र आती है। बहुत सारे रिफॉर्म्स जरूरी हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर, रिजर्व सीट हैं लाइक पार्लियामेंट के अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर में, जिससे कि वुमेन को और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर मिल सके। ट्राइबल कम्युनिटीज़ के राइट्स जो हैं वो लगातार वायलेट किए जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए द्रौपदी मुर्मू जी कुछ करेंगी, इस चीज़ की आशा ट्राइबल लोगों में नज़र आती है, इस बात की होप जो है वो उनमें नज़र आती है। 30 साल हो गए पंचायती राज को लागू किए हुए और इंडिया के अंदर पहली जो वुमेन प्रेसिडेंट हैं आदिवासी कम्युनिटी से वो अब यहाँ पर बनी है बेसिकली। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। आर्टिकल के अंदर ये भी कहा गया है कि जो आपका यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट बनी है तो इससे ये बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता कि वुमेन का पार्टिसिपेशन अच्छा हो रहा है या वुमेन की बेसिकली रिप्रेजेंटेशन उनका यहाँ पर बढ़ रहा है। क्यों, इस बात को क्यों कहा जा रहा है, तो देखो PRI जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर में 1.45 मिलियन के करीब फीमेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं। बहुत अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा इंप्रेसिव रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर मिल जाएगा।
लेकिन सेम रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं मिलेगा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव्स के अंदर में। पार्लियामेंट में बात करें तो राज्यसभा में सिर्फ 12.24% ही वुमेन रिप्रेजेंटेशन है, और लोकसभा के अंदर सिर्फ 14.44% वुमेन रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर नजर आएगा। और अगर हम बात करें वुमेन की, तो वुमेन जो है वो स्टेट असेंबलीज के अंदर बहुत ही लो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर शो कर रही हैं। कहने का मतलब यह है कि नागालैंड और वुमेन के अंदर एक भी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव या वुमेन लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, बेसिकली एमएलएज को कहते हैं, वो नहीं है। देखो ये रही इमेज, इमेज के अंदर आपको मिलेगा लिखा हुआ है 00, यानी कि एक भी वुमेन जो है वो आपकी मिजोरम और नागालैंड के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं है। तो ये एक खतरे की घंटी है क्या? नहीं है। लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ द इलेक्टेड वुमेन, और ये सबसे अच्छी जो बात है वो आपकी छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, राजस्थान जैसे इलाकों में मिल जाएगी, जहाँ वुमेन्स को कुछ रिप्रेजेंटेशन तो दिया जा रहा है, हालांकि उतना नहीं है जितना कि मैंडेटेड होना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। अब ये सब किस तरीके किस लिए किया गया था? ये सब किया गया था ताकि डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर बढ़े। अब ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आपसे इस तरीके से दिया जाएगा, लिखा होगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ होगा द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन हैज़ प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल, बट रिप्रेजेंटेशन डज नॉट नेसेसरली लीड टू द पार्टिसिपेशन। ठीक है, आपने रिप्रेजेंटेशन दे दिया, लेकिन पार्टिसिपेशन इंक्रीज वाकई हुआ है या नहीं हुआ है, उस चीज़ के ऊपर में आपको कमेंट करने के लिए बोला जा सकता है। तो आपको थोड़ा सा ये आइडिया भी यहाँ पर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन देना ज़रूरी नहीं है, वाकई पार्टिसिपेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, उस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि वुमेन जो है वो अपना रोल कर भी रही हैं या नहीं कर रही हैं, उस बात का पता लग सके। ओके, तो अब अलग अलग जो बेसिकली वुमेन पॉलिटिशियंस हैं उनसे बात की गई और पता चला, ये सब आप इग्नोर कर सकते हो, और जस्ट एक जनरल इशू बनता है पॉलिटी के अंदर वुमेन रिप्रेजेंटेशन का, उसको आप कवर कर सकते हो। लक्ष्मीकांत से भी कवर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, तो वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हो। यहाँ पर आपको इतना जानना था, हालांकि कुछ और जो चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे एक और इशू यहाँ पर आता है, जब वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं या फिर रिप्रेजेंटेशन की या इलेक्शंस की बात ही करते हैं तभी आता है, तो ये आपका होता है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन का इशू। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर बेसिकली जितने भी कैंडिडेट हैं जो कि पंचायत का इलेक्शन यहाँ पर लड़ रहे हैं, उनके लिए होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो उसके ऊपर अलग अलग व्यूज़ यहाँ पर आते हैं। सबसे पहला व्यू आता है कि होनी चाहिए, और होनी चाहिए के अंदर में आपको मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एजुकेशन सभी के लिए ज़रूरी है, तो एक जो कैंडिडेट पंचायत का इलेक्शन लड़ रहा है उसके लिए भी एजुकेशन ज़रूरी है, क्योंकि उसी से वो एक ह्यूमन बीइंग होने का पता चलता है, उसी से वो जो है वो राइट और रॉन्ग के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, उसी से ही उसको पता चलता है कि अच्छा और बुरा क्या है। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा, तो कोई गलत बात नहीं है, एजुकेशन नेसेसरी यहाँ पर है। इसी चीज़ को देखते हुए राजस्थान ने 2015 में मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंटेस्टिंग अगर कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है उसके लिए लागू किया था। इसी तरीके से हरियाणा ने भी सिमिलर तरीके का लेजिस्लेशन यहाँ पर पास किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिड कहा और कहा कि एजुकेशन एक कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर है। राजस्थान में सरकार पलटी और सरकार ने पलटते ही 2019 में इसको ख़त्म कर दिया कि ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे ही कह रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ों की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। लेकिन हरियाणा जो है वो अभी भी इन चीज़ों को थोड़ा सा लागू करने की कगार पर यहाँ पर है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि ये नहीं होना चाहिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्यों? क्योंकि एक और पॉइंट निकल करके आता है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मतलब यह है कि आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे होने चाहिए, और पढ़े लिखे होने का मतलब यह है कि लिटरेसी रेट जो है पर्टिकुलर इलाके के अच्छे होने चाहिए, लेकिन रूरल एरिया में लिटरेसी रेट एमंग द वुमेन उतने बेहतरीन नहीं है। तो वुमेन के अंदर अगर लिटरेसी रेट अच्छे नहीं है, इसका मतलब ये है कि उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन होल्ड नहीं कर रही है। ओके, तो अब उस वजह से रिप्रेजेंटेशन रुक जाएगा और सिचुएशन और वर्स्ट हो जाएगी। हमारी जो मकसद है ये सब चीज़ें बढ़ाने का, ये सारा डाटा बढ़ाने का, ये पूरा नहीं हो पाएगा, जिससे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगी। तो ये यहाँ पर सेम बात लिखी हुई थी, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर क्लियर की। इसके अलावा एक एग्जाम्पल दिया गया है सरकार की, केरल सरकार की कुटुंबश्री स्कीम का। सरकार ने, आप इसको कुटुंबश्री मॉडल कहो, केरल मॉडल कहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको आइडिया पता होना चाहिए। केरल की सरकार ने कुटुंबश्री स्कीम यहाँ पर शुरू की थी 1998 के अंदर में, और ये जो है वो वुमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ करने के साथ साथ एक पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम के रूप में उभर करके आई। 1998 में इसको शुरू किया गया था, और इसके अंदर बेसिकली एक तीन टायर का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना करके इस स्कीम को लागू किया गया था। इसमें आपके प्राइमरी लेवल के यूनिट्स थी, इसमें आपकी वार्ड लेवल के यूनिट्स थी, और इसके अंदर आपकी लोकल गवर्नमेंट लेवल की यूनिट्स यहाँ पर थी।
तीनों लेवल पर जो वुमेन का पार्टिसिपेशन उसको इंक्रीज किया गया और उसके साथ साथ मेंबरशिप को तीनों टायर पर यहाँ पर ओपन किया गया। कोई भी जो एडल्ट वुमेन है वो उसको ज्वाइन कर सकती हैं और पर हाउस होल्ड एक सिंगल मेंबरशिप होना जरूरी यहाँ पर कर दिया गया। इसके ऐसे 20 मेंबर्स को लेकर के एक ग्रुप यहाँ पर क्रिएट किया गया। उन ग्रुप को बताया गया कि हेल्थ कितना ज़रूरी है, न्यूट्रिशन कितना ज़रूरी है, एग्रीकल्चर के अलावा ये सब एक्टिविटीज़ बताई गई। उनको माइक्रो क्रेडिट अवेलेबल कराया गया और बहुत सारी वुमेन जो है वो पंचायती राज में यहाँ पर इंक्लूड हुई और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया गया। तो इस तरीके से जो कुटुंबश्री स्कीम है वो आपकी यहाँ पर वर्क करी। इसमें आपको मिलेगा कि वही सब चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं, लाइक आप यहाँ पर देखोगे कि एक तो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया, दूसरी तरफ पॉवर्टी एलिवेशन भी यहाँ पर कर लिया और तीसरी तरफ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो उनमें कोऑपरेटिव्स की भावना है उसको भी यहाँ पर हमने यहाँ पर प्रमोट कर दिया। तो इस तरीके से मल्टी बेनिफिट आपको यहाँ पर मिले और भी बेनिफिट जो है वो यहाँ पर आपको मिल सकते हैं, बट ठीक है इतना यहाँ पर याद रखो। सेम बात जो है वो आपकी इस पर्टिकुलर आर्टिकल जो कि सेकंड आर्टिकल के रूप में दिया गया था इसमें बताई गई थी। और जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में एक होप यहाँ पर जगी है कि जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनकी सफरिंग को ख़त्म करने के लिए कुछ यहाँ पर करेंगी। ओके, क्यों? क्योंकि वो हमारी कम्युनिटी से यहाँ पर आती हैं। तो सेम बात यहाँ पर है कि जब द्रौपदी मुर्मू जी की विक्ट्री यहाँ पर हुई है तो मिक्स्ड रेस्पॉन्स यहाँ पर आया है। कुछ लोगों का कहना है कि गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कुछ लोग खुश हैं और यहाँ पर जो है वो सपोर्ट भी करते हैं और साथ ही साथ कुछ उम्मीदें भी उनको यहाँ पर लगी हुई हैं। उम्मीदें किस तरीके की? क्योंकि सरकार ने हाल ही में कुछ अमेंडमेंट जो हैं वो ऑफर किए हैं, जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 1980s के अंदर में अमेंडमेंट प्रपोज किए गए हैं। उसके अंदर साफ साफ ट्राइबल के जो राइट्स हैं उनको वायलेट किया गया है। अगर द्रौपदी मुर्मू जी उसको साइन कर देती हैं और उसको लागू कर देती हैं तो ट्राइबल्स के राइट्स जो हैं वो यहाँ पर थोड़े बहुत तो हर्ट होंगे, क्योंकि उसमें लॉज ऐसे हैं, अभी लॉज की बात नहीं कर रहे हैं, मैंने पढ़ा चुका हूँ वैसे UPSC स्पेशल सीरीज में देखोगे जुलाई की तो पढ़ा चुका हूँ उसके अंदर, बट अभी जो है वो उसको डिस्कस नहीं करते हैं। अभी आपको जैसे इतना पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स जो है वो नए आने वाले हैं जिसके अंदर जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उनके राइट यहां पर हर्ट होंगे। ऐसे ही बायोडायवर्सिटी जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके बारे में भी मैं आपको डाउन टू अर्थ की ही मैगजीन्स के अंदर मैं पढ़ा चुका हूं, वो अमेंडमेंट एक्ट 2002 का उसको यहां पर अब नए तरीके से अमेंड किया जा रहा है, उसके अंदर में भी कुछ चैलेंजेस जो है वो उभर करके आ रहे हैं। ऐसे ही प्रोविजंस हैं पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया एक्ट के या फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट के, इनके अंदर में लगातार चेंजेस हो रहे हैं जिससे कि फॉरेस्ट राइट्स जो हैं वो हर्ट हो रहे हैं। अब ये राइट्स हर्ट होना रोकने के लिए कुछ उम्मीद है कि द्रौपदी मुर्मू जी इन चीज़ों को थोड़ा सा कठिन मतलब बेसिकली इन पर थोड़ा सा हार्श रहें और इनको आसानी से लागू ना होने दें, या फिर एनवायरमेंटल असेसमेंट हुई हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये चीज़ें हैं, लेकिन कुछ लोगों को चिंता फिर भी है कि जब ये आपकी गवर्नर थी द्रौपदी मुर्मू जी तो इन्होंने छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट 1908 का है या संथाल परगना टीनेंसी एक्ट है 1949 का, इनको लागू नहीं किया था, तो ये कुछ चिंताएं भी यहाँ पर हैं। खैर हमें इतना सारा नहीं जानना, हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया यहाँ पर रखना है कि क्या होना है क्या नहीं होना। इसके अलावा जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए एक चिंता ये भी है कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए जो फिफ्थ शेड्यूल्ड एरियाज डिमार्केट किए जाते हैं वहाँ पर तेज़ी से अर्बनाइजेशन यहाँ पर बढ़ रहा है जिससे उनका इंडिजीनियस कल्चर प्रैक्टिसेस ये सब यहाँ पर हर्ट हो रही हैं। तो एक उम्मीद ये भी है कि जो पंचायती राज एक्ट है या नगर पालिका एक्ट है उसमें किसी भी तरीके के अगर अर्बनाइजेशन से रिलेटेड अमेंडमेंट हो रहे हैं तो उनको भी रोका जाना चाहिए। ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि देयर इज़ अनदर सीरियस इशू जिसके कारण शेड्यूल्ड एरियाज के अंदर अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ के राइट्स जो हैं वो हर्ट होंगे और वो नहीं होने चाहिए। इसके बाद ये लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है वो आप यहाँ पर कर दीजिएगा, ये सब आपका काम यहाँ पर हो जाता है। तो आगे चलें, आगे आपको यहाँ पर अगला आर्टिकल मिल जाएगा, लिखा हुआ है नोट क्लोज एनफ और इस बेसिकली कंसेप्ट की बात की गई है यहाँ पर ह्यूमन मिल्क बैंक की। और ह्यूमन मिल्क बैंक जो है वो इन्फेंट्स के लिए तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं ही, जिन ऐसे इन्फेंट्स जिनको मदर मिल्क जो है वो नहीं मिल पाता उनके लिए ज़रूरी होती है। इंडिया के अंदर आप देखो कि इसका जो नेटवर्क है वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है तो इसको लार्ज स्केल तरीके से रोल आउट करने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ जाती है। आपको ये पैसेज यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, आपको ये पैसेज भी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। शुरुआत करते हैं यहाँ से, और ब्रेस्ट मिल्क जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है इन्फेंट के लिए, बात WHO ने भी कही है। WHO ने ये भी कहा है कि जब बच्चा अपने शुरुआती 6 महीने में होता है तो उसको एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराना ज़रूरी यहाँ पर होता है, क्योंकि वहाँ से एंटीबॉडीज़ बनती हैं शरीर के अंदर में, न्यूट्रिएंट यहाँ पर हासिल होता है। और ऐसे बच्चे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अवेलेबल नहीं हो पाता, तो अगर डोनेट किया जाए तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। और ये डोनेशन का कंसेप्ट ही जो है वो एक आइडिया है जिसकी वजह से ह्यूमन मिल्क बैंक का कंसेप्ट जो है वो उभर करके आया। ओके,
कुछ नहीं है, ह्यूमन मिल्क बैंक के अंदर जो है वो ह्यूमन मिल्क को डोनेट किया जाता है, जैसे ब्लड बैंक होते हैं, द सेम लाइक कंडीशन। ओके, तो ये थोड़ा सा आइडिया जो है उसके बारे में पता होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा नेटवर्क दुनिया में कहाँ पर है, तो ब्राज़ील के अंदर। ब्राज़ील एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है जिसके अंदर ह्यूमन मिल्क बैंक का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। यहाँ पर सबसे पहली जो फैसिलिटी है वो 1943 में एस्टेब्लिश की गई थी, और उसके बाद आपको मिलेगा कि दिस हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमन मिल्क बैंक नेटवर्क। ओके, तो जितने भी कैरेबियन लैटिन अमेरिकन रीजन में मिल्क बैंक्स यहाँ पर हैं, उसमें से 218 के करीब बैंक्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ब्राज़ील के अंदर में ही यहाँ पर मौजूद हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स की माने तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के हिसाब से 27 मिलियन चिल्ड्रन कंट्री के अंदर माल न्यूट्रिशन जो है वो पैदा होते हैं। इसके अलावा 7.5 मिलियन लो बर्थ वेट और 3.5 मिलियन जो हैं वो आपके प्री टर्म पैदा यहाँ पर होते हैं, और लगभग 30 से लेकर के 50% जो यहाँ पर इन्फेंट हैं वो ICUs में रहते हैं। 10 से लेकर के 15% जो बेबीज़ हैं उनको स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट्स में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उनको ह्यूमन मिल्क ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है। एक प्री टर्म बेबी को लगभग 30 ml मिल्क पर डे की जरूरत यहां पर होती है, अगर उसका हेल्दी डेवलपमेंट आपको यहां पर करना है, और ये अवेलेबल नहीं हो पाता। हालांकि सरकार ने 2017 में जो मिनिस्ट्री है आपकी, इस मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस रिलीज करी थी जिसकी मदद से हमें लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर्स ओपन करने थे। कंट्री के अंदर ओपन भी किए गए, कंट्री के अंदर ह्यूमन मिल्क बैंक जो है वो भी अलग अलग हेल्थ केयर सेंटर्स डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चालू यहां पर किए गए, लेकिन उतनी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। तो दो कंसेप्ट है, एक आपका लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर और दूसरा है आपका ह्यूमन मिल्क बैंक का कंसेप्ट। दोनों चल रहे हैं इंडिया के अंदर, लेकिन बड़े स्केल पर नहीं चल रहे जितनी की जरूरत यहां पर है। जरूरत कितनी है उसको भी यहां पर देख लेते हैं। 2013 तक सिर्फ 8 से 10 ह्यूमन बैंक यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन 2017 में इनकी संख्या बढ़ा करके लगभग 80 के करीब यहाँ पर जो है वो कर दी गई। और आपको मिलेगा कि हाल ही में जो है वो दिल्ली को इस तरीके के सेंटर जो है वो उपलब्ध होने शुरू हुए। इसमें आपको मिलेगा कि काफ़ी कम सेंटर मौजूद हैं, लाइक चेन्नई वगैरह के अंदर 5 से 6 सेंटर हैं, दिल्ली के अंदर में 5 हैं, ओके, कोलकाता के अंदर 1 या 2 तरीके के सेंटर हैं। नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसके नंबर को बढ़ा करके कम से कम 100 तो हमें यहाँ पर करना ही चाहिए। एक दिक्कत जो ह्यूमन मिल्क बैंक कंसेप्ट के अंदर में आती है वो है एक्सप्लोइटेशन। एक्सप्लोइटेशन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि मिल्क बैंक सिस्टम को रेगुलेटेड तरीके से यहाँ पर रखना है। ओके, रेगुलेशंस जरूरी हो जाती हैं ताकि सप्लाई के इश्यूज भी हर्ट ना हो और जो वुमेन का एक्सप्लोइटेशन है उसके रिस्क भी यहाँ पर ना बढ़े। ओके, तो इस बात को यहाँ पर उभार करके सामने लाया गया कि ह्यूमन मिल्क बैंक का जो मार्केट है वो तो चलना चाहिए, लेकिन उसको इतना बड़ा कमर्शलाइज नहीं करना है कि वुमेन एक्सप्लोइटेशन यहाँ पर शुरू हो जाए। जिनको नीड है, स्पेशली इन्फेंट्स को, उनको ये चीज़ें अवेलेबल कराई जाएं और बाकी कुछ नहीं। कमर्शियलाइजेशन नहीं होना चाहिए। ये बात है कमर्शियलाइजेशन की, ये आपकी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री और साथ ही साथ FSSAI ने साथ में मिलकर के कही कि डोंट अलाउ कमर्शियलाइजेशन यूज़ ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क। मतलब पैकेज में मॉल के अंदर रखा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसको भी ज़रूरत है एक पर्टिकुलर तरीके से रेगुलेटेड ह्यूमन मिल्क बैंक से उसको लेकर के आना चाहिए। ओके, तो ये थोड़ा सा जो है वो डाटा आप यहाँ पर याद रखोगे। बाकी मैं खुद ही ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा इस चीज़ को, ओके, क्योंकि आप देखो कि रियल लाइफ के अंदर तो इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। ओके, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए उसके लिए सिर्फ 1 या 2 लाइन कभी आंसर के अंदर लिखनी पड़ गई तो ही ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज नहीं पड़ेगी। उसके बाद आगे बात करते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है किल टू कंजर्व, और यहाँ पर बात हो रही है आपकी इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज की 9th प्लेनरी मीटिंग हाल ही में यहाँ पर हुई। इससे पहले मीटिंग 2019 में हुई थी, वो 8th प्लेनरी मीटिंग थी। इसका रेफरेंस देकर कई लोगों ने अपने एसे भी यहाँ पर लिखते हैं। तो ये जो मीटिंग है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों ज़रूरी हो जाती है, कैसे ज़रूरी हो जाती है, उसके बारे में भी मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ। देखो जी, यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें तो मीटिंग का नाम है, ये लिखा हुआ है इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। कितने नंबर की मीटिंग थी, 9th, और कहाँ हुई, जर्मनी के अंदर बोन के अंदर यहाँ पर हुई। ओके, और यहाँ पर ये 300 से ज़्यादा सोशल एंड नेचुरल साइंटिस्ट ने मिलकर के लगभग 6,200 से अधिक साइंटिफिक स्टडीज़ यहाँ पर की, और स्टडीज़ को करने के बाद मोस्ट डिटेल्ड साइंटिफिक समरी यहाँ पर रिलीज़ की कि वाइल्ड स्पीसीज़ क्या होती हैं, उनका यूज़ कैसे किया जाए और किस तरीके से जो हैं वो चीज़ें चलनी चाहिए। इसके बारे में लगभग हम 30 मिनट तक आप बात करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनते रहिए, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। हम उनको कैसे सस्टेनेबली यूज़ करें उसके बारे में बात यहाँ पर की गई। July 8 को इन्होंने असेसमेंट रिपोर्ट ऑन द सस्टेनेबल यूज़ ऑन वाइल्ड स्पीसीज़ नाम की रिपोर्ट भी यहाँ पर रिलीज़ की, जो कि उनकी मच अवेटेड रिपोर्ट के रूप में उभर के आती है। इसका कई समय से वेट किया जा रहा था कि इसको रिलीज़ किया जाना चाहिए।
रिपोर्ट के जब इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं तो इंट्रोडक्शन के अंदर में ही कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं कि लगभग 50,000 के करीब वाइल्ड स्पीसीज मौजूद हैं जिस पर पूरी दुनिया जो है वो डिपेंड यहाँ पर करती है फॉर फूड, एनर्जी, मेडिसिन, इनकम, ETC. इन्होंने कहा कि प्लांट और फंजाई की 33,000 स्पीसीज हैं, फिश और एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट की 7500 स्पीसीज हैं, एम्फीबियंस, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स की 9,000 स्पीसीज मौजूद हैं। इन्होंने कहा कि इन सभी स्पीसीज में से लगभग 10,000 से स्पीसीज ज़्यादा ऐसी हैं जिनको ह्यूमन फूड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर इनका सस्टेनेबली यूज़ नहीं किया गया तो इनका कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वाइल्ड स्पीसीज एक फंडामेंटल जो बेसिकली वर्क यहाँ पर हो जाता है जिसके लिए आपको मेंटेन करना पड़ेगा बायोडाइवर्सिटी को और साथ ही साथ इकोसिस्टम फंक्शंस को लॉन्ग टर्म के लिए सपोर्ट करना पड़ेगा। देखो दो चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं, शुरू से ही यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। अभी दो चीज़ें आ जाती हैं कि एक तो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है सस्टेनेबल यूज़, यानी कि यूज़ के ऊपर बात हुई है। दूसरा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है वाइल्ड स्पीसीज़ के बारे में। तो वाइल्ड स्पीसीज़ का अब मैं सस्टेनेबल यूज़ को भी दो भागों में तोड़ देता हूँ। ये रहा सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना है। यूज़ करने का मतलब क्या है कि जो कम्युनिटीज़ हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उनकी फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटीज़ जो है वो हर्ट नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ ये तो यूज़ का पहलू हो गया, दूसरी तरफ पहलू आ जाता है आपका सस्टेनेबिलिटी का, और सस्टेनेबिलिटी के पहलू के अंदर में बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने की बात है और इकोसिस्टम के जो फंक्शंस हैं उनको लॉन्ग टर्म में सस्टेन रखने की बात है। तो सस्टेनेबल यूज़ दो अलग अलग तरीके की टर्म हो गई, दोनों का मतलब अलग अलग हो गया, इसको साथ में मिलकर के यहाँ पर पूरा करना है, यानी कि फूड सिक्योरिटी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए और स्पीसीज़ का संरक्षण भी यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि 70% ऑफ द वर्ल्ड पुअर पॉपुलेशन डायरेक्टली वाइल्ड स्पीसीज़ के ऊपर में डिपेंड यहाँ पर करती है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो है वो इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर ये डिटेल दी गई है इसी रिपोर्ट की, और IPBES की 9th मीटिंग यहाँ पर हुई, 140 से ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर मिले। दो रिपोर्ट जारी हुई, एक तो आपकी सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वाइल्ड स्पीसीज़ के ऊपर और दूसरी है आपकी वैल्यू एंड वैल्यूएशन ऑफ नेचर के ऊपर। यहाँ पर हम बेसिकली सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वाइल्ड स्पीसीज़ के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मीटिंग 2019 के अंदर पेरिस में हुई थी और वहाँ पर ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज रिलीज़ की गई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिपोर्ट के अंदर में जो स्पीसीज़ का एक्सटेंशन है उस पर स्पेशल फोकस यहाँ पर किया गया था। रिपोर्ट के अंदर वाइल्ड स्पीसीज पर स्पेशल फोकस किया गया है। रिपोर्ट का नाम जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड स्पीसीज, और इस रिपोर्ट के अंदर में जो यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसकी बात भी की गई। इन्होंने कहा कि अगर हमें यूनाइटेड नेशंस का SDG नंबर 2 और 1 पूरा करना है तो हमें सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वाइल्ड स्पीसीज़ की तरफ फोकस करना होगा, क्योंकि 80% अगर गोल पूरा हो गया तो हम बाकी के गोल्स को भी पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा 15 और गोल भी यहाँ पर हैं, उनको भी पूरा किया जा सकता है अगर हम सस्टेनेबल यूज़ करते हैं वाइल्ड स्पीसीज़ का। क्या होता है सस्टेनेबल यूज़, कैसे करते हैं, सब क्लियर करेंगे अभी के अभी। ओके, तो सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वाइल्ड स्पीसीज़ की बात करें तो ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। 2022 में एक पेपर छपा था फ्रंटियर्स के अंदर में, कंजर्वेशन साइंस के अंदर में बेसिकली, तो उन्होंने आइडिया दिया था कि ये जो आइडिया है वो लगभग 1600 के आसपास का आइडिया है, लेकिन इसका जो रिकॉग्निशन है मिड 1800 के अंदर ये सब चीज़ें जो है वो बढ़नी शुरू हुई, और 1960s के अंदर में जो पॉलिसीज़ हैं उसमें इसको अडॉप्ट करना यहाँ पर शुरू भी किया गया, और उसके बाद जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट है, लीगल फ्रेमवर्क हैं, ये सब आने शुरू हुए और फोकस किया गया सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड रिसोर्सेज इन ईस्ट अफ्रीका स्पेशली। तो अफ्रीका के अंदर में 2005 की रिपोर्ट की जिक्र यहाँ पर किया गया है, और रिपोर्ट जो है वो आपकी इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ रिसर्च सेंटर ने पब्लिश की है, और इस रिपोर्ट के अंदर में वाइल्ड लाइफ ट्रीटीज़ के बारे में बताया गया कि दुनिया भर में जो वाइल्ड लाइफ ट्रीटीज़ यहाँ पर बनाई गई हैं वो आउटडेटेड हो चुकी हैं, और साथ ही साथ हमें जो है वो कंजर्वेशन को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। इन्होंने एक चीज़ पर और ज़्यादा टारगेट किया, वो इस चीज़ पर कि जो करंट वाइल्ड लाइफ ट्रीटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बायोसेंट्रिक यहाँ पर हैं। बहुत ज़्यादा बायोसेंट्रिक होने का मतलब ये हो जाता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस पर फोकस करती हैं इकोलॉजी पर, जबकि थोड़ी सी वो एंथ्रोपोसेंट्रिक भी होनी चाहिए थी, यानी कि वाइल्ड स्पीसीज़ के कंजर्वेशन को कोर पर रखती हुई जो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू है उसको साइड में रख देती हैं, ये बात निकल करके आई। लेकिन जो प्रेजेंटली मीटिंग यहाँ पर हुई IPBES की 9th मीटिंग, उसके अंदर हमने थोड़ा सा एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू भी यहाँ पर अपनाया है, तो उसकी बात भी हम यहाँ पर जो है वो करने वाले हैं।
लो आ भी गया, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू की बात यहाँ पर की जा रही है। तो सेवरलिस्ट कंजर्वेशनिस्ट हैं, बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि जो IPBES की लेटेस्ट रिपोर्ट है सस्टेनेबल यूज़ करने के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा एंथ्रोपोसेंट्रिक यहाँ पर हो जाती है। और जो प्रीवियस असेसमेंट यहाँ पर किए गए थे कि हमें एक्सप्लोइटेशन को रोकना है या फिर जो बेसिकली वाइल्ड स्पीसीज़ का कंजर्वेशन करना है, उन सबको पीछे छोड़ देती है। और इस बार फोकस जो है वो थोड़ा सा एंथ्रोपोसेंट्रिक यहाँ पर रहा है। जैसे 2019 में यहाँ पर फोकस किया था कि 1 मिलियन प्लांट और एनिमल स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्शन रिस्क में चली जाएंगी, तो अब क्या हुआ कि 9th मीटिंग के अंदर जो है वो आपको सस्टेनेबल यूज़ की बात करनी शुरू करनी पड़ी। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल करके आई। इसी तरीके से UN की अलग अलग रिपोर्ट इस चीज़ को यहाँ पर कहती हैं कि जो इंटरनेशनल कमिटमेंट की गई हैं कि बायोडाइवर्सिटी कोलैप्स को यहाँ पर बचाएंगे, उसके ऊपर खासा प्रोग्रेस यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिली, जिसकी वजह से IPBES की ये रिपोर्ट है इन चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकती है। यूज़ करने की बात की है, यूज़ करने का मतलब ये होता है कि उसका एक्सप्लोटेशन भी कुछ हद तक तो होगा, चाहे कितना ही रेगुलेटेड तरीके से आप जो है वो उसको क्यों ना कर लें। तो ये सब पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पर पता होने चाहिए कि किस तरीके की बातें जो है वो हम लोग कर रहे हैं। तो कुल मिला के आप यहाँ पर देखोगे कि IPBES के स्टेटमेंट में हमें ये साफ साफ बात नज़र आती है कि इस बार जो व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा एंथ्रोपोसेंट्रिक यहाँ पर अपनाया गया है, क्योंकि हमने इजाज़त दे दी है यूज़ करने की। और यूज़ करने का मतलब ये है कि वाइल्ड लाइफ का एक्सप्लोइटेशन तो होगा ही होगा, इसका मतलब ये है कि उससे इन सब चीज़ों को हार्म होगा, उस चीज़ को अंडर एस्टिमेट इस बार यहाँ पर किया गया है। ओके, ऐसी ही सेम बात आप देखोगे यहाँ पर और भी ऑर्गेनाइजेशंस ने किया, लाइक लिखा हुआ है कि देखो आप पढ़ो थोड़ा सा, रिसर्चर्स आल्सो क्वेश्चन द डिसीजन टू नॉट प्रायोरिटाइज द इंपैक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोइटेशन ऑन द आउटब्रेक्स ऑफ जूनोसिस। जितना ज़्यादा वाइल्ड लाइफ का बेसिकली एक्सप्लोइटेशन बढ़ता है, उतना ही ज़्यादा नई नई जो जूनोसिस बीमारियाँ हैं वो आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसे मंकी पॉक्स वायरस है, ओके, इस टाइप की जो बीमारियाँ हैं ये बढ़ती रहती हैं। पेटा, दैट्स कॉल्ड पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल्स, जो कि एक एनिमल राइट्स का नॉन प्रॉफिट है, उन्होंने भी कहा है कि अगर हम एक और पेंडेमिक को रोकना चाहते हैं तो हमें वाइल्ड लाइफ को एलोन यानी कि अकेला छोड़ना पड़ेगा। ये जो पूरा का पूरा कंसेप्ट यहाँ पर है कि इफ़ वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम अनदर पेंडेमिक वी विल लीव वाइल्ड लाइफ एलोन, इस कंसेप्ट को कहा जाता है फोर्ट्रेस कंजर्वेशन। ओके, FORTRESS, फोर्ट्रेस कंजर्वेशन। फोर्ट्रेस कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि हम नेचर को और ह्यूमन को दोनों को अलग अलग कर रहे हैं, यानी कि वाइल्ड लाइफ है और ह्यूमन है, दोनों को अलग अलग नज़र से देखते हैं, दोनों को सेपरेशन की नज़र से देखते हैं। तो जहाँ ये सेपरेशन वाली बात आ जाए वहाँ दिस कंसेप्ट कॉल्ड फोर्ट्रेस कंजर्वेशन वर्क करता है। और ये कंसेप्ट फोर्ट्रेस कंजर्वेशन का बेसिकली वेस्टर्न वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा फेमस कंसेप्ट है और ब्रिटिश साइंटिस्ट के द्वारा ही इसको इजाद भी किया गया है। ओके, तो जो मेंबर्स हैं और उन्होंने ये भी कहा कि एक्जोटिक जो स्पीसीज़ हैं जैसे पायथन है या फिर क्रोकोडाइल्स हैं, इन सबकी स्किन का जो ट्रेड है वो भी यहाँ पर बढ़ जाता है जब हम वाइल्ड लाइफ के यूज़ की बात यहाँ पर करते हैं। उसके बाद US सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भी इस बात को कहा कि लगभग 75% ऑफ द रिसेंटली इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ वो जो है वो किसी ना किसी तरीके से आपकी प्रकृति से यहाँ पर आ रही हैं या फिर एनिमल डिजीज़ जो है वो यहाँ पर है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो निकल के आती है। अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी वाइल्ड स्पीसीज़ के बारे में और भी चीज़ें हैं, लाइक वाइल्ड स्पीसीज़ जो हैं वो पूरी दुनिया को खिलाने में मदद करती हैं, इससे न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी मिलती है, जैसा कि मैं आपको कई बार बता रहा हूँ, बट तभी मिलेगी जब हम इसको सस्टेनेबल मैनर में इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर आपसे बात की गई है स्पेशली कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस की जिनको रोकने की ज़रूरत है या फिर कम करने की ज़रूरत है, लेकिन उससे भी थोड़ा सा जो है वो दिक्कत यहाँ पर हो जाएगी। बेसिकली बात करें सस्टेनेबल यूज़ और एक्सप्लोइटेशन, दोनों वर्ड्स के बीच में एक बहुत छोटी सी लाइन जो है वो यहाँ पर खींची हुई है, सस्टेनेबल यूज़ किस तरीके से करना है और एक्सप्लोइटेशन किस तरीके से करना है। राजस्थान में बात करें तो हर साल लगभग होली के आसपास के करीब जो आपकी तोड़गढ़ रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर है, वहाँ पर आपकी कम्युनिटी एक सेंचुरी ओल्ड प्रैक्टिस को फॉलो करती है जिसका नाम है ऐदा। ये इस प्रैक्टिस के अंदर वाइल्ड मीट जो है उसको यहाँ पर लाया जाता है फेस्टिवल के दौरान, और हंटिंग वगैरह की प्रैक्टिस यहाँ पर की जाती हैं, लाठी वगैरह का प्रयोग किया जाता है, ट्रेडिशनल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और 24 घंटे लंबा ये जो बेसिकली फेस्टिवल यहाँ पर होता है, तो इस तरीके की प्रैक्टिस यहाँ पर की जाती है। आपको जस्ट ये आइडिया होना चाहिए कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ऐदा। ओके, इसके अलावा ऐसी ही सेम प्रैक्टिस आपको वेस्ट बंगाल की ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर मिल जाएगी, दिस इज कॉल्ड हंटिंग प्रैक्टिस, हंटिंग फेस्टिवल कह सकते हो, और इसका नाम है अखंड शिकार। ओके, ये प्रैक्टिस कहाँ होती है? वेस्ट बंगाल में। आप इन नामों से थोड़ा सा वाकिफ हो जाओ क्योंकि ये नाम जो हैं वो थोड़े से जानने ज़रूरी हैं। अखंड शिकार का मतलब समझते हो कि हमें हंटिंग करनी है। ओके, इसके अलावा आप देखो कि ऐसी ही प्रैक्टिस झारखंड के अंदर में भी है जिसका नाम है सेंड्रा। ओके, और ये प्रैक्टिस जो है वो हर साल मई में की जाती है। इस प्रैक्टिस में भी कुछ नहीं है, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी हंटिंग की जाती है ट्रेडिशनल वेपन्स लाइक नाइफ वगैरह का इस्तेमाल करके। अरुणाचल प्रदेश के अंदर में भी इस तरीके के रिचुअल्स जो हैं वो कॉमन है, बाकी और बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर में ये सब चीज़ें फेमस यहाँ पर हैं।
तो ऐसा ही आपको राजस्थान के अंदर जो एग्जाम्पल मिला लाइक ऐदा का, तो ये जो है वो डुकिया के द्वारा यहाँ पर बेसिकली भील ट्राइब है उसका ट्रेडिशन यहाँ पर है, उसका नाम है डुकिया ट्रेडिशन। इसके अंदर जैकाल का जो मीट है उसको यहाँ पर सर्व किया जाता है, लेकिन जैकाल की जो पॉपुलेशन है वो लगातार गिर रही है, जिसकी वजह से इस प्रैक्टिस को ये धीरे धीरे अवॉइड भी कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कि जब तक कम्युनिटी नहीं चाहेगी किसी तरीके का कोई कंजर्वेशन का प्रोग्राम आपका सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ढोकिया जो एक बेसिकली ट्रेडिशन है उसमें जैकाल मीट का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जब उसकी पॉपुलेशन कम हुई तो इस प्रैक्टिस को धीरे धीरे कम कर दिया गया और इसके लिए कभी कभी पेनल्टी भी यहाँ पर रखी गई। तो कम्युनिटी खुद से यहाँ पर आ रही है। ऐसा ही सिमिलर ट्रेडिशन जो है वो खोंड ट्राइब के द्वारा भी अपनाया जाता है ईस्टर्न इंडिया में, तो उसको भी यहाँ पर धीरे धीरे जो है वो कम किया जा रहा है। अब दो इशू जो हैं वो आपस में टकराते हैं। सबसे पहला इशू हो जाता है ट्रेडिशनल राइट टू हंट का, और दूसरा इशू हो जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का। तो ट्राइबल्स के अपने हंटिंग राइट्स यहाँ पर हैं, दूसरी तरफ जो है वो वाइल्ड लाइफ को बचाना भी है, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉज भी हैं। तो ट्राइबल हंटिंग राइट्स और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉज में से अगर हमें किसी एक को चुनना हो तो कैसे चुनेंगे? देखो, आपको ये नहीं कहना कि मुझे इसको चुनना है या मुझे इसको चुनना है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें जरूरी हैं। इसलिए आपको जरूरत पड़ेगी मिडिल पाथ की, और उसी के बारे में हम बात करेंगे आगे। आपको डायरेक्टली नहीं लिखना कि मुझे ट्राइबल हंटिंग राइट्स को चुनना है या मुझे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉज को चुनना है। आप सोलली एक चीज को नहीं चुन सकते, वरना आपके व्यूज एंथ्रोपोसेंट्रिक और बायोसेंट्रिक हो जाएंगे, जो कि हमको नहीं चाहिए। हमको मिडिल पाथ चाहिए। ओके, तो ऐसे जो है वो किस तरीके से लिखे जाएंगे वो आगे देख लेंगे, ठीक है। ये सब चीजें चल रही है ना, तो इसी में ही आपको मिडिल पाथ भी नजर यहां पर आएगा। तो ये पूरी दुनिया में बहुत सारे लीगल सिस्टम्स के थ्रू ट्रेडिशनल राइट्स टू हंट यहाँ पर दिए गए हैं। लाइक ऑस्ट्रेलिया की सरकार है या कोर्ट है, उन्होंने नेटिव टाइटल राइट्स दिए हैं किसको? टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स को, या फिर एबोरिजिनल जो ऑस्ट्रेलियंस हैं उनको। इन्होंने कहा है कि डुगोंग की ड्राउनिंग जो है वो आप कर सकते हो राइट्स के लिए, टर्टल्स की जो हार्पूनिंग है वो कर सकते हो, या फिर टर्टल्स को किल कर सकते हो उनके हेड पे स्ट्रोंग ब्लो करके। ओके, तो ये सब कुछ प्रैक्टिसेज हैं जो कि यहाँ पर ट्रेडिशनल राइट्स टू हंट के अंदर में आती हैं, और इनको लीगल करार भी ऑस्ट्रेलिया के कोर्ट ने यहाँ पर दिया। ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल है, आपको सब पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन जितना दिया गया कम से कम उतना देख लेते हैं। ओके, तो कुल मिला के आप देखो कि ओवर हार्वेस्टिंग यहाँ पर चल रही है वाइल्ड लाइफ की मीट के लिए, और ये जो है वो एक बहुत बड़ा इशू उभर करके आया। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, इकोनॉमीज बढ़ी, तो फूड की डिमांड बढ़ी, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ का ओवर हार्वेस्टिंग यहां पर शुरू हो गई, और उसके इंपैक्ट और चैलेंजेस भी आपको सामने दिखाई देंगे। ओके, तो इससे जो है वो आपका ये निकला कि ये जो हंटिंग की प्रैक्टिस है ये धीरे धीरे कमर्शियली यहाँ पर अडॉप्ट हो गई। रिसर्चर्स ने 2021 में एक स्टडी की, और स्टडी का नाम था एनुअल रिव्यू ऑफ एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज। इन्होंने यहाँ पर कहा कि जो फैक्टर्स जिसकी वजह से अनसस्टेनेबल हंटिंग यहाँ पर बढ़ी है वो यहाँ पर बढ़ गए हैं, लाइक कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज उसकी वजह से, या फिर रूरल और अर्बन एरिया के बीच में मूवमेंट ईजी हो गया है जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या फिर अगर हम कहें कि इनएक्सपेंसिव जो हंटिंग टूल्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी है, तो कोई भी टूल्स खरीद करके हंटिंग के लिए चल देता है। ऐसे ही बैरियर्स जो हैं वो बहुत ही कम है वाइल्ड लाइफ को फूड के लिए, बेसिकली फूड मार्केट में एंटर कर जाता है बहुत इजीली, इसके लिए किसी तरीके के लॉज मौजूद नहीं है। इसी तरीके से जो ल्यूक्रेटिव वेज लेबर है उनकी भी कमी यहाँ पर आ जाएगी, अपॉर्चुनिटी की कमी यहाँ पर आ जाएगी। इस तरीके से मिलेगा, जब डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा तो बंदा यहाँ पर वाइल्ड लाइफ को हंट करने क्यों जाएगा, शिकार, ठीक है, क्यों करने जाएगा? तो ये चीज़ें थोड़ी सी कारण बन जाती हैं। ये बात इस रिपोर्ट के अंदर में यहाँ पर बताई गई थी। 2021 में ऐसी ही रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, जिसको कहते हैं CMS ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, उन्होंने इस बात को बताया कि अवेलेबिलिटी ऑफ फायर आर्म्स, जो बेसिकली हथियार हैं उनकी अवेलेबिलिटी यहाँ पर रहती है, उसके अलावा हाई फाइनेंशियल इंसेंटिव, शिकार करोगे तो आपको ये फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलेंगे, बेटर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, ये कुछ फैक्टर यहाँ पर हैं जिनकी वजह से वाइल्ड मीट को अर्बन पॉपुलेशन के बीच में इजीली एक्सेस यहाँ पर मिल जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो वेस्टर्न और सेंट्रल अफ्रीका से मीट ऑफ स्ट्रो कलर्ड बैट और चिंपेंजी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है भारी मात्रा में अर्बन मार्केट्स के अंदर में। इस रिपोर्ट के अंदर या यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन के अंदर साफ साफ कहा गया कि वाइल्ड मीट दैट इज ऑफन कंज्यूम्ड बाय द अर्बन ड्वेलर्स के द्वारा इसको कंज्यूम किया जाता है एज अ लग्जरी फूड। ओके, क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, लाइक रेड मीट, ओके, तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा यहां पर होती है और उसको लग्जरी फूड की तरह यहां पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन रूरल पॉपुलेशन के लिए तो ये सिर्फ और सिर्फ एक न्यूट्रिशन का सोर्स यहां पर है। तो दिस इज रॉन्ग, ऊपर वाली चीज, लेकिन नीचे वाली चीज इज राइट। ओके, तो ये आपको इस तरीके से बैलेंस करना है। जब आपसे पूछा जाए कि हंटिंग राइट्स कैसे हो, तो भैया कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन इज नॉट ए सॉल्यूशन, आपको इस चीज को बैन करना पड़ेगा और इसके ऊपर लॉज बनाने पड़ेंगे। लग्जरी फूड के रूप में आप इसका इस्तेमाल बंद करें, क्योंकि उससे भी बड़ी चुनौती क्लाइमेट चेंज और वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोइटेशन हमारे सामने यहाँ पर मौजूद है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, तो रूरल पॉपुलेशन के लिए या ट्राइबल कम्युनिटी के लिए ये न्यूट्रिशन का एक सोर्स है, उनको कंटिन्यू रखना चाहिए, लेकिन उसका कमर्शियली एक्सप्लोइटेशन नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ मिलेगी। इसके अलावा अगर हम देखें कि हंटिंग को अगर हमने क्रिमिनलाइज कर दिया, देखो
यहाँ पर थोड़ा सा और बैलेंस करने की कोशिश करते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आप लोगों से यहाँ पर पूछा ये वाला, ठीक है, ट्राइबल हंटिंग राइट्स और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉज के बीच में, तो इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, मिडिल पाथ निकालने की कोशिश करते हैं। एक दो पाथ तो आपको यहाँ पर मिल गए, बाकी और देखते हैं कि अगर हमने हंटिंग प्रैक्टिस को क्रिमिनलाइज कर दिया तो कोई भी ट्राइबल जो हंटिंग करेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ये प्रैक्टिस होती है ट्राइबल पीपल्स की विदाउट द इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट इज अ सोशल इनजस्टिस। ये लाइन आपको यहाँ पर याद रखनी है कि अगर हमने पूरी तरीके से इस हंटिंग की प्रैक्टिस को बैन कर दिया तो ट्राइबल कम्युनिटीज के राइट्स हर्ट होंगे, उनके साथ सोशल इनजस्टिस यहां पर देखने के लिए मिलेगा। बाय बैनिंग वी डेलिबरेटली इरोड करते हैं, हम बेसिकली इरोड करते हैं देयर बायोकल्चर नॉलेज, उनकी बायोकल्चर नॉलेज को हम भुला देते हैं और साथ ही साथ उनका जो रिलेशन है लैंड एनिमल और अदर इकोलॉजिकल एस्पेक्ट के साथ हम उसको भी भुला देते हैं जब हम पूरी तरीके से क्रिमिनलाइज कर देते हैं हंटिंग को। ये एक अपना अपना व्यू यहां पर है, हमें मिडिल पाथ निकालना है, हम दो एक लाइनें जानेंगे, जस्ट इग्नोर करेंगे बाकी चीजों को। ओके, तो ये चीजें यहां पर निकल करके आई और ऐसे ही अलग अलग और प्रोफेसर्स या IPBES की रिपोर्ट्स है, उन्होंने भी कहा कि देयर इज एन इंक्रीजिंग नीड टू रिकॉग्नाइज दैट द यूज ऑफ वाइल्ड स्पीसीज ऑल्सो लीड टू कंजर्वेशन। तो ये चीज़ें भी आती हैं कि आप जो है वो पूरी तरीके से बैन नहीं कर सकते, लेकिन उस पर एक निगाह तो आपको यहाँ पर रखनी है कि कहीं कमर्शियल एक्सप्लोटेशन तो नहीं हो रहा और कंजर्वेशन तो हो रहा या नहीं हो रहा। ये इमेज दी गई थी और यहाँ पर बेसिकली ये बताया गया कि अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर अलग अलग तरीके की ट्राइबल प्रैक्टिसेज यहाँ पर फॉलो की जाती हैं। जैसे कनाडा के अंदर यहाँ पर दिया गया है कि लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा कल्चरली इंपॉर्टेंट फूड और क्लोथिंग के रूप में पोलार बियर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके कंजर्वेशन के लिए मेजर चलाए गए और फिर यहाँ पर कुछ इम्पैक्ट्स देखने के लिए मिले, यानी कि उनकी पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ी या फिर जो उनका हैबिटेट है वो यहाँ पर बढ़ाओ, इस तरीके की चीज़ें। तो एक कनाडा की बात है, ये मेक्सिको की बात है, मेक्सिको में भी बिग हॉर्न शीप की ऐसी ही ट्रॉफी हंटिंग यहाँ पर की जाती है। ओके, ट्रॉफी हंटिंग के बारे में अभी हम और भी जानेंगे। पेरू के अंदर में भी यही सिचुएशन है, ब्राज़ील में भी हमने कंजर्वेशन लिया और उसके बाद इंपैक्ट मिले। हर जगह के पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन समझो कि दुनिया भर से इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप लोगों के सामने हैं, जब भी चाहें जैसे भी चाहें कोई भी एग्जाम्पल उठा करके दे सकते हैं। इजिप्ट के अंदर में भी ऐसे ही नाइल क्रोकोडाइल की स्किन जो है वो चमड़े के सामान बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन उसके कंजर्वेशन के लिए सस्टेनेबल कलेक्शन ऑफ एग यहाँ पर किया गया जिससे कि उनकी पॉपुलेशन राइज यहां पर देखने के लिए मिला 2018 में। मैं इनको पढ़ नहीं रहा हूं लेकिन आपको समझना है कि हां ये चीजें काम करती हैं, कंजर्वेशन मीजर्स जो हैं वो वर्क करते हैं, उसके पॉजिटिव इंपैक्ट देखने के लिए मिलते हैं। सेम ऑस्ट्रेलिया सेम ताजिकिस्तान में भी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी। ओके, ये चीज मिलेगी। इंडिया का एग्जाम्पल देते हुए एक साइंटिस्ट ने बेसिकली ये भी कहा कि जो बायोडायवर्सिटी और फॉरेस्ट लॉज हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ की नीड को, लेकिन डू नॉट अलाउ प्रैक्टिस इन द ट्रू सेंस। तो ये क्या बात यहाँ पर की जा रही है कि बायोडायवर्सिटी लॉज हैं हमारे पास, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट भी है हमारे पास, फॉरेस्ट लॉज बहुत सारे हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 1980s के हैं, हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन ये जो प्रैक्टिस है ये ट्रू सेंस में अलाउ यहाँ पर नहीं की जा रही। यानी कि ये जो है वो मिडिल पाथ के रूप में निकल करके आ रहा है कि ट्रू सेंस में प्रैक्टिस को अलाउ नहीं किया गया है। फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जैसे 1972 का, उसके अंदर लिखा हुआ है कि किसी भी वाइल्ड एनिमल को फूड और ट्रेड के लिए प्रोहिबिट यहाँ पर किया गया है, लेकिन ये काम सिर्फ और सिर्फ अंडमान की जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ हैं वो कर सकती हैं। देखो कितना अच्छा काम किया है कि किसी और कम्युनिटी के लिए इस चीज़ को इलीगल डिक्लेयर कर दिया, लेकिन जो अंडमान की कम्युनिटी हैं इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ हैं जिनका ये राइट है उसको यहाँ पर नहीं किया गया है। इवन लोकल कम्युनिटीज़ को नील गाय को किल करने के लिए भी परमिट किया गया है, वाइल्ड बोर को भी परमिट किया गया है और इनको वर्मिन डिक्लेयर किया है। वर्मिन को खाया नहीं जाता, ओके, उनका शिकार किया जाता है, तो वर्मिन को डिक्लेयर कर दिया गया और अब उसके बाद जो है वो आपको मिलेगा कि सिर्फ शिकार की अनुमति होगी ना कि उसको कंज्यूम करने की। ओके, तो ये चीजें आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। ऐसे ही 2017 में एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी गठित हुई थी यहां पर। ओके, और उन्होंने जो है वो बेसिकली रिकमेंड किया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज को कि जो आपका शहतूत शॉल है उसके ऊपर से बैन जो है वो हटाना चाहिए। ओके, टू लिफ्ट द बैन ऑन प्रमोटिंग द ट्रेड ऑफ, क्यों? क्योंकि ये जो आपका शंतूष नाम का शॉल है ये आपका एंडेंजर्ड तिब्बतन एंटेलोप के फर से यहाँ पर बनाया जाता है और ये जो तिब्बतन एंटेलोप है ये एक वाइल्ड स्पीसीज है जिसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में प्रोटेक्टेड किया गया है, हुज ट्रेड वाज ग्लोबली बैंड। इसके ट्रेड को 1975 में ग्लोबली बैन किया गया था बाई साइट्स। प्रपोजल ने रीजन किया कि ये जो आपने शॉल को बंद किया, देखो शॉल को बंद करने से पॉपुलेशन बढ़ेगी तिब्बत एंटेलोप की, बिल्कुल बढ़ेगी, लेकिन कुछ जो कम्युनिटीज हैं उनका लाइवलीहुड जो सिक्योरिटी है जम्मू कश्मीर के बेसिकली उनका ये जो लाइवलीहुड है वो यहां पर डिपेंड करता है, तो आपने उस एस्पेक्ट को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। आ गई बात वही वाली। ओके, तो ये मिडिल पाथ यहां पर आपने नहीं अपनाया जिसकी वजह से दिक्कत हुई और अब हमें जो है उस बैन को लिफ्ट करना पड़ा। ओके, तो ये जो है वो चीजें निकल करके आई कि कम्युनिटीज के लिए लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं होनी चाहिए और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। दोनों काम हमने यहां पर किए, दो तीन एग्जांपल दिए हैं मैंने, बहुत बढ़िया, ठीक है, यहीं पर मिल सकते हैं ये, किसी और जगह पर आपको नहीं मिलेंगे, ना द हिंदू में आते हैं ना इंडियन एक्सप्रेस में, सिर्फ डाउन टू अर्थ के अंदर आते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं इस पर ट्रस्ट करता हूँ, आपके दिमाग को खोल करके रख देती है डाउन टू अर्थ। ओके, इसके लिए लॉज की जरूरत है और लोकल पीपल की हेल्प की जरूरत है। लोकल पीपल की हेल्प की कैसे जरूरत है वो मैंने आपको एग्जांपल बताया और लॉज तो आपको पता है कि कैसे हेल्प यहाँ पर करते हैं। ओके,
ऐसी ही एक सक्सेस स्टोरी आपको मिलेगी विकुना के बारे में। ये बेसिकली लामा का एक क्लोज रिलेटिव होता है और चिली, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना में पाया जाता है। इसको हाई क्वालिटी वूल के लिए मारा जाता है। ओके, इसकी इसको बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे कि नियर एक्सटिंक्शन चला गया था 1960s में और फिर इस वूल के ऊपर ट्रेड का बैन कर दिया गया, यानी कि अब जो है वो 1975 से विकुना को मारना खत्म। ओके, और साइट्स की कन्वेंशन के अंदर इसको अपेंडिक्स वन में रखा गया। और जैसे इसको अपेंडिक्स वन में रखा तो आप देखो कि 1969 में सिर्फ 3,000 मौजूद थे, इनकी पॉपुलेशन बढ़कर के 163,000 हो गई 2018 में। देखो पॉलिसीज वर्क करती हैं या नहीं करती हैं, बिल्कुल करती हैं, ये देखो यहाँ पर की हैं। ओके, फिर धीरे धीरे इसको अपेंडिक्स टू में कर दिया क्योंकि इसकी पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ गई। और फिर आप देखोगे कि विच अलाउज फॉर ए रिजम्पशन टू ए रेगुलेटेड ट्रेड, वर्ड पर ध्यान देना। फिर जब अपेंडिक्स टू के अंदर में इसकी पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ गई तो इसका रेगुलेटेड ट्रेड यहाँ पर शुरू कर दिया गया। रेगुलेटेड तरीके से होगा भाई, वाइज यूज़ और सस्टेनेबल यूज़ में एक आप रेगुलेटेड ट्रेड भी जोड़ सकते हो। तो रेगुलेटेड वर्ड यहाँ पर यह दिखाता है कि आपने कम्युनिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट भी इसके अंदर में बढ़ाया, कुछ समय के लिए बैन किया, पॉपुलेशन को बढ़ाया, फिर से चीज़ें शुरू हुई और ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। 6 जुलाई की बात करें तो IPBES ने नेगोशिएटिंग के अंदर लेटेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट जो आपकी 19th प्लेनरी सेशन बोन के अंदर दी, जिसके बारे में हम पिछले लगभग 40 मिनट से या 30 मिनट से बात यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, और लगभग बहुत सारे ग्रुप्स ने इसके अंदर में बेसिकली बात की और इन्होंने ये कहा, इन सभी ग्रुप्स ने इस चीज़ को डिमांड किया कि गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड वुड इम्पोज अ बैन ऑन द इम्पोर्ट ऑफ हंटेड ट्रॉफीज़। हंटेड ट्रॉफीज़ के ऊपर बैन लगाने की बात की। बेसिकली ट्रॉफी हंटिंग एक कंसेप्ट है। ट्रॉफी हंटिंग से क्या होता है कि लाइवलीहुड सिक्योरिटी मिलती है कम्युनिटीज़ को और साथ ही साथ जो बेसिकली आपने जैसे कि एंटीलोप को हंट किया, ओके, तो उसको जो है वो आप अपने घर में एज अ ट्रॉफी यहाँ पर लगाते हो कि मैंने इसका शिकार किया। अब वो सीधा डॉग या कैट को तो नहीं मारा जाएगा, वो किसी एंडेंजर्ड स्पीसीज, बड़ी खतरनाक स्पीसीज जो कि बेसिकली एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी हंटिंग की जाएगी। तो यहाँ पर जो ट्रॉफी हंटिंग है उसको बैन करने की बात वो यहाँ पर उठाई गई। लेकिन आप देखो ट्रॉफी हंटिंग क्या होती है कि ट्रॉफी हंटिंग इज़ वन ऑफ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोइटेशन, ये बताया गया, एंड इज़ नीदर इथिकल, ना तो इथिकल है और ना ही सस्टेनेबल है, फिर इसको चालू क्यों रखा हुआ है, ये बात प्रो वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट ने यहाँ पर पूछी। ओके, इन द फेस ऑफ ह्यूमन कोज ग्लोबल मास एक्सटिंक्शन, जो कि 6th मास एक्सटिंक्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ट्रॉफी हंटिंग को पूरी तरीके से बैन किया जाना चाहिए और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ट्रॉफी हंटिंग को बैन नहीं करना चाहिए, और इसमें आपके ये लीडर्स जो हैं वो यहाँ पर सामने आए, उन्होंने कहा कि हंड्रेड्स ऑफ कम्युनिटीज़ जो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में जुड़ी हुई हैं, स्पेशली साउथ अफ्रीका की कंट्रीज़ के अंदर में, देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रॉफी हंटिंग सर्कुलेटिंग पब्लिकली। इन्होंने कहा है कि जो इन्फॉर्मेशन है ट्रॉफी हंटिंग के बारे में गलत है। ट्रॉफी हंटिंग जो है वो रूरल लाइवलीहुड का एक सोर्स बनती है अफ्रीका के अंदर में और बहुत सारी रूरल कम्युनिटी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उनके कंजर्वेशन में मदद यहाँ पर करती है। इस पर अगर बैन लगाया गया तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ का नुकसान यहाँ पर हो जाएगा। फिर वही आता है, रेगुलेटेड तरीके से ट्रेड को अलाउ कर दीजिएगा। ओके, तो इसके पीछे इन्होंने कुछ कारण भी बताए कि आखिर ऐसा क्यों होगा। तो फर्स्ट कारण ये है कि अगर हमने बैन यहाँ पर कर दिया तो इससे हंटिंग जो है वो डिटर होगी, हंटिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है, एंड रिड्यूस द क्रिटिकल रिवेन्यू। उसके अलावा जो कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए क्रिटिकल रिवेन्यू का सोर्स यहाँ पर था वो भी खत्म हो जाएगा। ओके, देयर वाई इट विल अंडरमाइन द इंसेंटिव जो लोकल पीपल को यहाँ पर मिलता है टू कीप वाइल्ड लाइफ ऑन देयर लैंड। एक प्रॉब्लम तो ये है कि अगर आपने ट्रॉफी हंटिंग को बैन किया तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि इट वुड ट्रिगर द ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट यहाँ पर बढ़ जाएंगे। जैसे कि 2014 का एग्जाम्पल देकर के कहा गया कि जैसे जो 2014 में ट्रॉफी हंटिंग को सस्पेंड किया गया था तो ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट यहाँ पर बढ़ गए थे। तो इस तरीके चीजें जो है वो निकाल करके अपनी बातों को संतुष्ट कराने की कोशिश कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने यहां पर की। ये एनवायरमेंटलिस्ट नहीं होते हैं, ये एनवायरमेंटलिस्ट नहीं होंगे, ये बेसिकली सोशल एक्टिविस्ट आप इनको यहां पर कह सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहां पर मिलेंगी। ट्रॉफी हंटिंग को बैन करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसके ऊपर एक बैलेंस्ड व्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर लिया गया है कि इंडिजीनियस जो डाइट है उसका कुछ वाइल्ड स्पीसीज इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाती हैं, अगर उनके ऊपर ब्लैंकेट बैन लगाया गया तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी हर्ट होगी। कितनी देर से मैं यही बोल रहा हूँ अलग अलग तरीके से। ओके, तो एनिमल जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे कि जैसे वाइल्ड रैट है इसको किसके द्वारा कंज्यूम किया जाता है, तो आपको पता लगेगी मूशार कम्युनिटी है उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर, उनके द्वारा इसको कंज्यूम किया जाता है, तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का सोर्स यहाँ पर बन जाता है, जिसको वाइल्ड रैट। ऐसे जैकाल और मॉनिटर लिजार्ड है, उसको भील ट्राइब ऑफ राजस्थान के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। ऐसे ही वाइल्ड बोर है जो कि खोंद ट्राइब ऑफ उड़ीसा का न्यूट्रिशनल बेसिकली सोर्स यहां पर बन जाता है। ऐसे ही और भी चीजें यहां पर दी गई हैं, आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर आ गई। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि जो पीपल हैं उनको अगर ओनर यहाँ पर बना दें तो वाइल्ड लाइफ का सस्टेनेबल यूज़ यहाँ पर किया जा सकता है। ओके, तो देखो मैंने आपको बताया कि अगर ओनरशिप होती है तो हम उस चीज़ को प्रिजर्व करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। द सेम कंसेप्ट के बेस पर ये बात जो है वो निकल करके यहाँ पर आ रही है।
एक एग्जाम्पल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो नामीबिया कंट्री का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। नामीबिया ने कम्युनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम यहाँ पर चलाया था बेसिकली पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए, और इस प्रोग्राम का नाम था कम्युनिटी बेस्ड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम 1998 के अंदर इसको यहाँ पर चलाया गया था। इसके अंदर कम्युनल कंजर्वेंसीज और साथ जो रूरल कम्युनिटीज़ हैं उनके राइट्स को, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से वाइल्ड लाइफ के सस्टेनेबल यूज़ उसको मैनेज करने के लिए, उसके बेनिफिट को ड्राइव करने के लिए ये प्रोग्राम यहाँ पर चलाया गया था, और इस प्रोग्राम के काफ़ी पॉजिटिव आउटकम्स यहाँ पर दिखे। द गवर्नमेंट ऑल्सो गिव वाइल्ड एनिमल्स, उन्होंने वाइल्ड एनिमल्स को कंजर्वेशनसीज जो ये यहाँ पर आपकी बनाई गई थी इनको यहाँ पर दिया, और टाइम टू टाइम जो है वो अप्रूवल भी यहाँ पर करते रहे वैसे, ठीक है, ट्रॉफी हंटिंग के लिए, ओके। But the meat is given to the conservancy members for domestic consumption and trade. Funds generated from all these activities उनको deposit कर दिया जाता था एक conservancy fund में, और उससे development program poverty elevation के लिए चलाए जाते थे। तो किस तरीके से इन्होंने सब चीज़ों को balance किया, देखो इन्होंने तीन अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर balance करने की कोशिश की इस program के जरिए जिसका नाम था community based natural resource management। इसमें communities को तो मदद मिली ही मिली, यहाँ पर सस्टेनेबल यूज़ भी देखने के लिए मिला वाइल्ड लाइफ का, और उसके साथ साथ जो सोशल स्कीम्स चल रही थी उनको भी यहाँ पर इन्होंने पूरा किया। तो तीन काम एक ही तीर से इन्होंने यहाँ पर किए, तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी कम्युनिटी कंजर्वेशन से इतने सारे फायदे यहाँ पर हुए। नामीबिया के अंदर एलिफेंट्स की जो पॉपुलेशन है वो 76,000 से 23,600 के करीब यहाँ पर हो गई। सस्टेनेबल यूज से भी पॉपुलेशन बढ़ती है, इस बात का इससे बेहतर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। ऐसा ही काम आपका जो है वो ब्लैक राइनासोर्स के साथ में यहाँ पर किया गया, ओके। तो ये कुछ पॉइंट्स जो है वो आपको पता होने चाहिए। अब ये चीज़ खत्म होती है, अब ये सस्टेनेबल यूज़ के ऊपर बात जो है वो यहाँ पर खत्म होती है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, और एक दो आर्टिकल और बच रहे हैं छोटे छोटे से, उनको भी फटाफट जो है वो निपटा लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली ग्लोबल टेम्परेचर राइज मिल रहा है, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड हम ब्रीच कर जाएंगे, ये कॉमन सी बात हो गई है। 2015 से इस चीज़ को पढ़ रहे हैं कि 1.5 डिग्री ब्रीच कर जाएंगे। आपको जस्ट इतना याद रखना है कि एट प्रेजेंट जो है वो अर्थ 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड हॉटर हो चुकी है प्री इंडस्ट्रियल लेवल का, ओके। और इसके साथ साथ आप देखोगे कि राजस्थान जैसे कुछ इलाके हैं जहाँ पर रेनफॉल जो है वो कम हो रही है, कुछ और कारण है लाइक इरेटिक रेनफॉल के पैटर्न्स जो है वो नज़र आते हैं। लद्दाख के अंदर में भी टेम्परेचर जो है वो लगातार बढ़ रहा है, जबकि वो एज अ कोल्ड डेजर्ट यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन धीरे धीरे वो जो है वो भी गर्म यहाँ पर होता चला जा रहा है। फिर वही चीज़ें और कि यूरोप के अंदर में हीट वेव्स यहाँ पर चली, फायर यहाँ पर लगी, वाइल्ड फायर जिसको कह सकते हो वो लगी। आर्कटिक के अंदर में जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है, सी मेल्ट वो आपको जो ग्लेशियर्स हैं उनकी मेल्टिंग जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है, सी लेवल राइज वगैरह यहाँ पर हो रहा है, मीथेन के एमिशन यहाँ पर बढ़ रहे हैं। ये सब चीज़ों के चलते आप इसके कुछ कारण भी लिख सकते हो, और ये सब कॉमन चीज़ें हैं, ये मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर दो इमेज दी गई थी, मैं उन दो इमेजों को छांट करके लाया और ये रही, ओके। यहाँ पर बेसिकली लिखा हुआ है कि अगर 1.5 डिग्री वार्मर वर्ल्ड हो गया तो इंडिया की इमेजेस जो है वो कैसी नजर आएंगी। तो पूरा का पूरा जो ये आपका वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न कह सकते हो, ओके, ये रीज़न है, ये बहुत ही भारी मात्रा में गर्म यहाँ पर हो जाएगा। नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट और जो है वहाँ पर एनुअल एवरेज टेम्परेचर के ड्रास्टिक इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा, और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो रेनफॉल की स्केंसिटी भी आपको ज़्यादा की मिलेगी, मतलब इतना परसेंट चेंजेस होंगे यहाँ पर, सबसे ज़्यादा कम वर्षा इन्हीं इलाकों में होगी और इसकी वजह से ही टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ेगा। दोनों चीज़ें इंटरलिंक हैं, बाकी कंट्री के अलग हिस्सों में भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जो है वो देखने के लिए मिलेगा, ओके। कहाँ पर कितनी वर्षा कम होगी वो डाटा भी दिया गया है, ये रहा, मुझे नहीं लगता आपको पढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ा सा दिमाग को भी और इतना ज़्यादा नहीं खोलना, ओके। तो ये मिला, इसके बाद एक बेसिकली इनिशिएटिव यहाँ पर था, और ये एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया जो कि दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से आता है। दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट आपकी छत्तीसगढ़ के अंदर में पड़ती है, और यहाँ पर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ने साथ में मिलकर के जो लोग ऑर्गेनिक प्रोड्यूस यहाँ पर बनाते थे उनको बेचने के लिए मार्केट नहीं मिलता था, उसकी मार्केट एबिलिटी यहाँ पर कराई। तो ये इस FPO के सक्सेसफुल होने का एग्जांपल यहाँ पर मिलता है। आप जस्ट इतना पढ़ करके भी इस को आप आर्टिकल को कवर कर सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है, उतना ही देखेंगे जितना काम का है। तो लिखा हुआ है कि एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन थी दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसने मार्केट लिंक्स जो है वो उपलब्ध कराए ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को, और नेचुरल जो बेसिकली ऐसे फार्मर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे थे उनके यील्ड यहाँ पर बढ़े, उनका नंबर यहाँ पर बढ़े, उसके लिए ये सब काम यहाँ पर जो है वो किया गया। बेसिकली अब इनका नाम क्या था कैसे था वो सब जानने की जरूरत नहीं, यहाँ पर नाम वगैरह देकर के फिर इनसे जानकारी ली गई कि कैसे आपने यहाँ पर किया, तो ये सब चीज़ें निकल करके आती हैं। आखिर दांतेवाड़ा ही न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि दांतेवाड़ा जो है वो उसके अंदर भारी मात्रा में माल न्यूट्रिशन जो है वो नज़र आया। जितनी भी वुमेन थी यहाँ पर उसमें से 76% वुमेन जो है वो माल न्यूट्रिशन थी, जबकि नेशनल एवरेज जो है वो 57% है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी जिससे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हासिल होनी थी वो सही से नहीं चल रही थी, और इसी वजह से भारी मात्रा में पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ यहाँ पर हो रहा था। अब उसको धीरे धीरे बंद करके ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ये सिचुएशन भी अच्छी हुई, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे ही यहां पर की मार्केट लिंकेजेस मिलने मुश्किल हो गए, तो एक FPO सामने आया और उस FPO ने साथ में मिलकर के इस काम को यहां पर बढ़ावा दिया।
अब यहाँ पर आप जो है वो पर्टिकुलर एफपीओ का एग्जांपल, एफपीओ का नाम भी दिया गया था बेसिकली, उसका नाम भी आप यहाँ पर याद रख सकते हो। ये आप देख सकते हो, ये बेसिकली एक कंपनी के रूप में उभर करके आया जिसका नाम था भूमगढ़ी। ओके, तो ये याद रख सकते हो या फिर ना भी रखो तो भी यहाँ पर चलेगा। और लेकिन ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक एफपीओ के द्वारा ये किस तरीके से यहाँ पर चला। एफपीओ रजिस्टर्ड किए जाते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर में, और अलग अलग तरीके के वर्क जो हैं वो करते हैं। स्पेशली आप देखो कि क्रेडिट अवेलेबल नहीं हो रहा तो क्रेडिट अवेलेबल कराएंगे, कोई इनपुट अवेलेबल नहीं हो रहा है तो इनपुट अवेलेबल कराएंगे, एमएसपी पर कोई इशू हो गया एमएसपी पर इशू होगा, फॉर्म लॉज यहाँ पर आए थे उनको रिपील कराने में इन्होंने हेल्प की। ओके, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं और चलती रहेंगी। तो इस तरीके से जो मार्केटिंग यहाँ पर इन्होंने उपलब्ध कराई, और मार्केटिंग के अंदर ब्रांड नेम आदिम से इन्होंने जो है वो प्रोडक्ट को निकाला। ठीक है, जो आपके बेसिकली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट थे उसको आदिम, आदिम का मतलब होता है इंडिजीनियस और ओरिजिनल, इस नाम से इस प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा। अलग अलग तरीके के ड्राई मैंगो पाउडर हैं या रेड चिलीज हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं लाइक इंडियन एरो रूट है, ओके, लाइक महुआ है, सिकल सेना है, ये सब चीज़ें जो है वो मार्केट के अंदर उभारी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि लाख रुपये में ये टर्नओवर जो है वो इनका दिया गया है। 2017-18 में 20 लाख टन का टर्नओवर हुआ, फिर आपका एफपीओ ने मदद की तो टर्नओवर लगातार जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और अभी जो है वो और ज़्यादा ग्रो यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये जो है वो 25% इंक्रीज प्रीवियस से यहाँ पर हुआ है। जस्ट एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पर था जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए थी, बाकी और मैगजीन के कोई पार्ट्स आपको नहीं पढ़ने, सारी मैगजीन कवर हो गई है। और ये जो है वो लास्ट स्लाइड है, जी हाँ लास्ट स्लाइड है, और ये सब चीज़ें कंप्लीट हुई। इसी के साथ जो है वो आपको यहाँ पर बता दें कि अगर आपको ये मैगजीन जो है वो परचेज करनी है तो 10 रुपये में मैगजीन, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको हमें संदेश भेजना पड़ेगा, और संदेश भेजने के बाद आपको QR कोड अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ पर आप 10 रुपये का पेमेंट करेंगे और आपको ये पर्टिकुलर मैगजीन उपलब्ध यहाँ पर बड़ी ही आसानी से हो जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जिसको चाहिए सिर्फ वही खरीदे। बाकी दोनों ऊपर तरीके की PDF फ्री ऑफ कोर्स नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो की लेंथ को और नहीं बढ़ाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, धन्यवाद।